हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम लोग मलाजखंड कापर माइंस देखकर वापस रिटर्न हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मलाजखंड कापर माइंस में। जितने भी एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं उनके लिए एक सोसाइटी डेवलप किया गया है जहां वो लोग रहते हैं। देख सकते हो, ये लोग वही सोसाइटी से आ रहे हैं अपने अपने रूम यानी अपने अपने घर से। तो अभी ये लोग जा रहे हैं खदान की ओर काम करने के लिए। तो इन्हीं सोसाइटी को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, किस तरह से क्या डेवलप किया गया है थोड़ा आए हैं तो देख लेते हैं। तो चलो बने रहिए वीडियो में, एंड वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले पहुंचता रहे। और देख सकते हो, अभी सभी एम्प्लॉय लोग अपने सोसाइटी से खदान की ओर जा रहे हैं, माइंस खदान की ओर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इनकी सोसाइटी को क्या है कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो कुछ ही दूर और दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ का जो चौक है मलाजखंड का, वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से फिर हमको सीधा जाना है, और देख सकते हो गाड़ी में भी आ रहे हैं कुछ लोग। और यहाँ पर हरियाली काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लग नहीं रहा है कि हम लोग कहीं सिटी पर हैं। और ये है यहाँ का चौक, देख सकते हो चौक में पहुँच चुके हैं। अब हमको जाना है सीधा जाना है दोस्तों, किधर मुड़ना नहीं है। और यहाँ का प्रगति मैदान काफ़ी बड़ा मैदान है, और अभी भी आ रहे हैं दोस्तों एम्प्लॉय लोग, काफ़ी टोपा लगाए हुए हैं। और ये मैदान काफ़ी बड़ा है दोस्तों, काफ़ी समतल है, और हरियाली काफ़ी गजब का है दोस्तों। यहाँ का हरियाली कहीं नहीं है, लेकिन ऐसी हरियाली डेवलप करके रखना चाहिए सभी जगह, ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे और नमी भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो कितना गर्मी बढ़ चुका है देख सकते हो। और ये है सोसाइटी का मेन गेट, तो इसी सोसाइटी से हम लोगों को अंदर जाना है। देखते हैं कोई गार्ड वगैरह है कि नहीं। गार्ड वगैरह तो नहीं है दोस्तों, बाइक वाले भैया सीधे निकल गए, तो हम भी निकल जाते हैं देख सकते हो। तो हम भी अभी सोसाइटी के अंदर पहुंच चुके हैं, और सोसाइटी के अंदर पहुंचने के बाद लग नहीं रहा है कि ये सोसाइटी है दोस्तों। सब तरफ जंगल ही जंगल सेम लग रहा है, और घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते में जाए। बहुत सारा यहाँ घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, फिर इधर पर दोनों साइड रोड है, फिर सामने में रोड है, अब किधर जाएँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों। और राइट साइड में पूरा छोटे छोटे घर है, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है, मस्त छोटा छोटा एकदम घर है बनाया हुआ है, बिल्डिंग सरकारी क्वार्टर तो है। और देख सकते हो काफ़ी हरियाली है, बड़ा बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ है, काफ़ी यूनिक सा प्लांट्स लगा हुआ है, जो देख के मन को गदगद लग रहा है दोस्तों। और यहाँ थोड़ा सा ठंडा है दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधा काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा यहाँ पर उमस नहीं है, गर्मी नहीं है। तो ये है पेड़ पौधा लगाने का फ़ायदा। तो अभी हम लोग सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, घूम लिए, क्योंकि हम गाड़ी से उतर के नहीं घूमे दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न वापस घर के लिए भी निकलना था। तो अभी हम लोग गाड़ी से ही अभी हम लोग गाड़ी में बैठकर ही सब कुछ घूम लिए सोसाइटी को, उतना खास हम लोगों को नहीं लगा। अगर उतर के घूमते तो लगता, क्योंकि हम लोग उतर के नहीं घूमे। तो अभी हम लोग वापस रिटर्न हो चुके हैं, बिरसा जा रहे हैं, बिरसा से फिर राम भाई के गांव तितरी जाएंगे। तो अभी हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, और अभी लंच भी नहीं किए हैं दोस्तों, तो देखते हैं कहीं लंच करते हैं राम भाई के घर, या फिर यहाँ राम भाई के मामा घर है, साइड में मामा गाँव है सलगट, तो देखते हैं वहीं जाके लंच वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी दोपहर का 2 बज रहा है दोस्तों, और सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। वही हम लोग रेंगा खार में आते समय नाश्ता वगैरह किए थे, बस वही खाए हैं। तो सभी लोगों को अभी भूख लग गया है, और हमारे सर को भी तो भूख लग गया है, ड्राइवर करते करते। भाई ड्राइव करना भी बहुत बड़ी बात है, आज दिन भर हो गया ड्राइव करते करते, तो सबको भूख लग गया है। और रास्ता देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सुहावना रास्ता है, रोड काफ़ी ज़बरदस्त है, और मस्त हरा भरा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेवल करने में मज़ा आ रहा है, सफ़र करने में। और देखते हैं आगे जाके और क्या क्या देखने को मिलता है, अभी तो हम लोग मस्त घूम रहे हैं, रास्ते में ही हैं। भाई लोगों को नींद आ रहा है, नींद से जगाने के लिए मैं इनको बोल रहा था कि सोना मत करके, और हरियाली को देखकर भी हम लोगों को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को खासकर। देख सके गुलमोहर का फूल भी काफ़ी गजब का फूल रहा है, और इधर हमारे ड्राइवर सर को भी, मतलब हमारे सर को भी
नींद आ रहा था, तो ये बोल रहा था कि सो मच तुम लोगों का देख कर मेरे को भी नींद लग जाएगा करके। तो हम सब बात करते रहते, सर को ले जा रहे हैं अभी, ड्राइव करते हैं, आराम से ड्राइव कर रहा है। और सर से पूछ रहे हैं क्योंकि सर का जॉब है कांकेर बस्तर साइड, तो उधर इसका जॉब है, गवर्नमेंट टीचर है, तो इसको हम पूछ रहे थे कि उधर नक्सली वक्सल बहुत ज़्यादा रहता है सर, तो क्या सच है क्या हकीकत है। तो सर बता रहा था है नक्सली नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो अभी नहीं देखे हैं करके बोल रहा था, आज तक हमको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मुठभेड़ वगैरह होता रहता है बटालियन वगैरह के साथ करके बता रहा था। जैसे CRPF बटालियन है सब, ये सब दौरे में जाते रहते हैं, तो कुछ कुछ मुठभेड़ होता रहता है, तो सुनाई में देता रहता है कि एक नक्सलिया या ग्रामीण वालों को हत्या कर दिया करके। तो ऐसा कुछ आप लोगों को सुन रहा होगा, न्यूज़ वगैरह में सब कुछ पता चल जाता है। तो इस सर को हम लोग भी पूछ रहे थे क्या सही है क्या गलत है, तो सर भी बता रहा था हाँ सही है, वहाँ के पूरा ग्रामीण लोग ही कई लोग नक्सली हैं, लेकिन वो लोग आम पब्लिक को आम जनता को कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों का जंग जो है गवर्नमेंट के साथ है, सरकार के साथ है और पुलिस वाले को साथ होता है। अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा घटना नहीं हुआ करके बोल रहा था, लेकिन होता ज़रूर है करके बता रहा था। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। तो अभी सर अच्छा से ड्राइव कर रहा है ताकि इसको नींद न लगे करके हम लोग भी इससे बात कर रहे हैं, और सब लोग भूखे हैं दोस्तों अभी, और वहाँ नहाएं सोनघाघरा नदी में, उसके बाद ही सब लोगों को थोड़ा सा भूख लग चुका था। फिर हम लोग सोचे कि नहीं पूरा कापर माइंस मलाजखंड घूम लेते हैं, फिर वापसी में आते समय लंच कर लेंगे कहीं रुक के करके। तो सीधा हम लोग सलघट में जा कर ही लंच करेंगे अब मामा के यहाँ, मतलब राम भाई के मामा रहते हैं वहाँ, मामा गाँव हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। तो ये कहानी है था दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा कहानी, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि बोर हो रहे हो। जो रियल है वो रियल है दोस्तों, बता रहा हूँ मैं, वो कोई इसी प्रकार का फेक नहीं है, ये सब रियल बात है अभी तक हमने जो बताया आप लोगों को। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक है।